20 साल के दिल्ली की नौकरी छोड़ के आ गया सर बेगूसराय। सर्वविदित है कि लोग डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते और मानते आ रहे हैं। इस कथन को चरितार्थ करते हुए बेगूसराय में एक डॉक्टर ने कई क्लिनिक से रेफर हुए नवजात बच्चे की बीमारी को ठीक कर सही सलामत वापस घर भेज दिया है। यह वाक्य सूझा गांव निवासी सोनी देवी के पुत्र की है। प्रीतमा ने बताया कि पहले ग्रामीण डॉक्टर से शिशु का इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हो सका और अचानक उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उसने कहा कि कई डॉक्टर के यहाँ बच्चे को ले जाया गया जहाँ स्थिति गंभीर देख रेफर कर दिया गया। थक हार कर एक व्यक्ति की सलाह पर NH 31 लोहिया नगर केविन स्थित डॉक्टर अविंद कुमार के यहाँ भर्ती कराया जहाँ इलाज के दो दिन बाद छुट्टी मिल गई। वहीं डॉक्टर अरविंद ने बताया कि वास्तव में बच्चे की तबीयत बिगड़ चुका था लेकिन थोड़े प्रयास में ही बच्चे में सुधार होने लगा और जल्द ही उसे कंट्रोल करते हुए ठीक कर घर भेज दिया गया है। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है बच्चे का? रियांश कुमार। रियांश कुमार। कितना उम्र है? 2 महीने 18 दिन। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। कहाँ घर है? सूजा। तो ऐसे जगह हैं जहाँ डायग्नोसिस हो ही नहीं पाती है बच्चों का। हमारे पास 6 दिन पहले एक बच्चा आया, जिले के एक दो डॉक्टर उन्होंने बोल दिया कि यहाँ इलाज नहीं होता बेगूसराय में, चल जा पटना। ये बेचारे भटक रहे थे, किसी जानने वाले ने इनको बताया कि डॉक्टर अरविंद हैं, एक बार जाके उनसे बात करिए। जब वो मेरे पास आए, बच्चा का हालत बहुत ख़राब रहे, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, बच्चा गैस्पिंग कंडीशन में था, मतलब दिल ज़ोर से धड़क रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था बच्चा। तो हमने उसको फटाफट मशीन पे रखा बच्चे को, कुछ मेडिसिन स्टार्ट किया, फिर देखा कि बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह बच्चा लेके आया हुआ है ऑलरेडी, हालत ख़राब थी बच्चे को। मुझे लगभग दो दिन बच्चे को मशीन पे रखना पड़ा। उसके बाद मशीन से हटा के नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा, फिर 2 दिन बिना ऑक्सीजन के अब है बच्चा, और अब अभी घर जाने की स्थिति में आ गया है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि बेगूसराय में ठीक नहीं होते। बेगूसराय में ऐसा जगह अभी भी है जहाँ बच्चा ठीक हो सके, चाहे बच्चा की स्थिति कितना भी खराब हो। सो दिल्ली, 20 साल के दिल्ली की नौकरी छोड़ के आ गया सर बेगूसराय।